नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज 85 और मैं हूं अमित। अभी हम लोग हैं दिनहरा प्रखंड मुख्यालय के गेट पे। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, यहाँ के कुछ मुद्दों पे बात करेंगे हम। स्वच्छ भारत अभियान का नाम आपने सुना होगा, मोदी जी का मिशन है स्वच्छ भारत अभियान। इस अभियान के तहत मोदी जी ने पूरे भारत को साफ करने का एक दृढ़ संकल्प लिया था और मोदी जी की पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है उसके समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारी लोग भी इस स्वच्छ भारत अभियान के मिशन के नाम पे अपने कार्यालयों में साफ सफाई करते दिख जाते हैं। लेकिन आज हम लोग आपको जो सच्चाई दिखाएंगे वो सोचे नहीं होंगे कि स्वच्छ भारत अभियान का इतना काला सच भी है। ब्लॉक का ये मुख्यालय है और ये दिनहरा ब्लॉक का गेट है। आप इसके सामने फैली हुई गंदगी को देख सकते हैं। हम अपने कैमरामैन आनंद से आग्रह करेंगे कि इस गंदगी को दिखाए कम से कम। आप लोगों के बीच में दिखा रहे हैं दिनहरा ब्लॉक का ये ब्लॉक का गेट है और इस गेट के सामने इतनी गंदगी पड़ी है। आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा कि मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान, जो मोदी जी ने सपना देखा था भारत को साफ करने का, तो मोदी जी के सपनों का स्वच्छ भारत अभियान के लिए सच है। आप देख लीजिए यहाँ पे जो है तमाम सरकारी अधिकारी लोग बैठते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी भी बैठते हैं, अंचल अधिकारी बैठते हैं, जनता द्वारा चुने गए प्रमुख बैठते हैं और भी छोटे मोटे कर्मचारी लोग बैठते हैं। यहाँ पे उन लोग का कार्यालय है और इसी रास्ता से वो लोग गुजरते हैं, दिन में जाते हैं ऑफिस जाते समय भी इसी रास्ता से जाते हैं, उधर जाते वक्त भी आते हैं, लेकिन उन लोगों को गंदगी नजर नहीं आती है। आप देख लीजिए कितना कचरा फैला है और आपको एक चीज और हम दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि आए। आप देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, ये है सामने यहाँ पे भारतीय संविधान के भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्मारक भी है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए सूरज भी लेटा हुआ है और ये नली है, जल निकासी का एक माध्यम है। इसमें कितना कचरा भरा है, सामने से दिखाइए थोड़ा, आइए सामने से दिखाइए, ये देख सकते हैं आप इसमें कितना कचरा फैला हुआ है। मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान का यही सच है और मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान को सच करने में उनके जो पदाधिकारी हैं, उनके जो जनप्रतिनिधि हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग भी हैं, उन लोगों का भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं गया। हमने सोचा एक नागरिक होने की हमारी जिम्मेवारी है कि हम इन सब कमियों को आपके सामने नज़र दिलाएं, आपको ध्यान दिलाएं। ये हमारी एक नागरिक के दर्जे जिम्मेवारी भी है। यहाँ पे सारे सरकारी ऑफिस है और इसके सामने गंदगी का ढेर लगा हुआ है। और एक चीज आपको अभी हम और दिखाएंगे, ये देखिए तमाम कार्यालय है यहाँ पे, ब्लॉक का कार्यालय है, अंचल का कार्यालय है, सब यहाँ भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्मारक है। स्मारक लोग कभी आपको यहाँ पे टॉयलेट करते भी दिख जाएंगे, अभी सुबह का समय है क्लियर नहीं दिख रहा है। और इस स्मारक के ठीक सामने शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। देखिए कितना दुखद स्थिति है कि जो जिन्होंने संविधान लिखा उनकी इतनी दुर्गति हो रही है कि मृत्युपर्यंत उनके स्मारक के सामने सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। देखिए कितना दुखद स्थिति है, जिन्होंने भारत को चलने के लिए, भारत का राजपथ चलाने के लिए कानून बनाया, नियम कानून बनाया, उनकी मरणोपरांत इतनी दुर्गति हो रही है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा, सरकारी कार्यालयों द्वारा उनके स्मारक के ठीक सामने शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। और इधर भी देखिए ये जल जमाव पड़ा हुआ है, गंदगी है, जब सरकारी अधिकारियों के कार्यस्थल के पास इतनी गंदगी है तो आम लोगों का क्या होता होगा। आप देख लीजिए ये इतनी गंदगी है, यहाँ पे मलेरिया डेंगू का परजीवी जो होता है यहाँ पे पनपता होगा, यहाँ लोग बीमारी में मरते होंगे। आप देख सकते हैं कि मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान का सच क्या है।
आप देख रहे हैं आवाज 85 और मैं हूं अमित। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और नए वीडियो की जानकारी के लिए घंटी के निशान वाले बटन को दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत।